ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। नोटबंदी के बाद बाजार में आए 2000 रुपये के गुलाबी नोट 30 सितंबर यानी आज के बाद से पूरी तरीके से प्रचलन से बाहर हुई जाएगी। बात की जाए अगर रीवा के, तो रीवा जिला के अलग अलग बैंकन में अब तक 9 लाख गुलाबी नोट तिजोरी में बंद की जा चुके हैं, जिनका बारी बारी यानी चरणबद्ध तरीके से रिजर्व बैंक का भेजा जा रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहाँ पूछा अपना पंचे सब जन इनका प्रणाम कही थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि 2000 रुपया के नोट का प्रचलन से बाहर करे के बात कही गई है और उसका डेडलाइन आ चुकी है। आज 30 सितंबर से 2000 रुपया के नोट पूरी तरीके से प्रचलन से बाहर हुई जाएगी। रीवा में अकेले 9 लाख गुलाबी नोट तिजोरी में बंद किए जा चुके हैं, जिनका चरणबद्ध तरीके से रिजर्व बैंक का भेजा जा रहा है। बैंक में गुलाबी नोट जमा करे के खातिर लोगन के पास केवल आज के मौका है। 8 नवंबर 2016 का बाजार में चले वाले 500 और 1000 रुपया के नोट का बंद करे के निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, जहां 500 रुपया के नए नोट और 1000 रुपया के स्थान पर 2000 रुपया के नोट बाजार में उतारे के बाद सामने आई रही। नोटबंदी के तहत बैंक में वापस पहुंची रकम के बाद 2000 रुपया के गुलाबी नोट चरणबद्ध तरीका से बाजार में उतरे और अब यही 2000 रुपया के गुलाबी नोट का रिजर्व बैंक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस ले रहा है, जेकर समय सीमा 30 सितंबर रखी गई है। ऐसे हालात में लोगन के पास अभी गुलाबी नोट का वापस करे के अलावा दूसर विकल्प नहीं आए। बता दें कि प्रचलन से ये पूरी तरीके से नोट बाहर हो जाएगी और इनका बैंक में वापस जमा करे खातिर केवल 30 सितंबर के मौका है। बैंक सूत्रन के हवाला से जानकारी मिल रहा है कि 30 सितंबर के अवधि बीते के बाद यमेर के 2000 के गुलाबी नोट के बाजार मूल्य पूरी तरीके से शून्य हो जी, जिसके बाद एव नोटन का बैंको ले से इनकार कर सका था। बाजार में नोट के आदान प्रदान के खातिर रीवा के अगर बात की तो जिला में 3 चेस्ट ब्रांच कार्यरत था, जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। दूसर कई यूनियन बैंक के 31 शाखा, स्टेट बैंक के 16 शाखा, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के 8 शाखा आई। यही मेर से इंडियन बैंक के 17 शाखा, केनरा बैंक के 5 शाखा आई, सेंट्रल बैंक के 2 शाखा, यूको बैंक के 2, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, HDFC के 2-2 शाखा सहित अन्य बैंक के शाखा और मध्यांचल बैंक के अलग अलग शाखा में 2000 रुपया के नोट के वापसी के प्रक्रिया तेजी से चल रही है। गौर करे वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक के द्वारा यह माना गया है कि 2000 रुपया के मुद्रा का बाजार में उतारे के बाद एक सर्कुलेशन जो रहा अनुपात के मुताबिक काफ़ी कम हो गया रहा और इसने में यह माना जा रहा कि ज़्यादातर नोट चलन के बाहर हैं, जिसके बाद रिजर्व बैंक के द्वारा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये नोटन का वापसी की प्रक्रिया शुरू कीन गए। अग्रणी जिला प्रबंधक संजय कुमार निगम के द्वारा सबसे अपेक्षा कीन गई है कि 30 सितंबर तक ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2000 रुपया के नोट अब तक रखी है अपर रकम का बदल लें, कहे से कि 30 सितंबर के अवधि बीते के बाद नोटन का बैंक में बदला न जा सकी, साथ ही साथ बाजार मूल्य नोटन के शून्य हो जाए। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल, दे इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।